अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम माय बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम बटर फ्राई के आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं, चलो शुरू करें। चलो भाई। तो दोस्तों, अब हम आपको बटर फ्राई की रेसिपी बताएंगे और ये बहुत यूनिक और मज़ेदार की होती है, आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम चलाते हैं चूल्हा हल्की हल्की आँच पर, ठीक है, क्योंकि इसकी बेस वगैरह भी बनानी है। इतनी आँच पे हम डाल दें ऑयल, और ये हमारे पास ऑयल है, ठीक है, थोड़ा डालना। ठीक है, अब दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा तेल गर्म हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, हम ये देख सकते हैं, ये हमने बटेरे लिए हैं तीन, इनको हमने धो लिए थे, ठीक है, अच्छी तरह से, ताकि वो बाल लगे होते ना वो उतर जाए, ठीक है। अब हमने इसको धो लिया। हम लेते हैं सॉल्ट, हाफ स्पून हमने नमक ले लेना, ठीक है, इतना लेना है, ज्यादा नहीं लेना, हाफ स्पून नमक लेना है। उसके बाद ये हमारे पास है काली मिर्च, हाफ, ये भी उतनी आएगी जितने नमक डालिए, हाफ स्पून, हाँ ये डाल दिया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है जी तिल, हाफ स्पून वो भी डाल लें, ये पूरे हाफ स्पून या आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, ठीक है, ये हम डालते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी ज़ीरा, ये हम इतना हाफ डाल दें, हाफ से भी कम, क्योंकि चिकन नहीं है ना इसलिए। उसके बाद हमारे पास है जी लाल मिर्च, ये भी हम उतनी डालेंगे ताकि वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, ठीक है। अभी हमने डाल ली थी। उसके बाद हमारे पास है जी गरम मसाला, ये हमने इतना डालना है, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद हमारे पास मेन चीज़ कोर फ्लोर, जिससे अच्छा टेस्ट आ जाता है, ये हमने डालनी है 3 चम्मच, ठीक, 3 चम्मच, ठीक है, हमने इसके 3 चम्मच डालने हैं क्योंकि बटेरे हैं, मुर्गी नहीं है। ये डाल दिया इसके 3 चम्मच, ठीक है। अब हमने सारा मसाला ऐड कर लिया। अब हम इसमें डालते हैं सोया सॉस, ये हो गया सोया सॉस हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास चिली सॉस, ये डालते हैं, ये भी अलग जायका, चिली सॉस हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हमारे पास है जी सिरका, ये डाल लिया, ठीक है, ये हमारी बेस पूरी तैयार है। अब हम इसको मिक्स करते हैं, अच्छी तरह इसको दबा दबा के मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मसाला लगा लेंगे बटेरों को, ठीक है। अब मसाला बटेरों में अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो मसाला है ये बटेरों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको एक एक पकड़ के फ्राई करेंगे। ये हमारा पहला बटेरा आम से डालेंगे, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा, ये डाल दिया, और थर्ड वाला हम डालेंगे जी साइड पे। लाएंगे तो इसका जो मसाला वगैरह वो सारा उतर जाएगा। हमारे जो बटेरे हैं ये अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। मौसम की हम फर्स्ट आने की वजह से हम इसको बना रहे हैं बटेरों की रेसिपी, और आपके साथ भी हम शेयर कर रहे हैं। हमने कहा हम तो बना लेंगे जैसे भी, लेकिन हमारे दोस्त ना रह जाएं, इसलिए हम उनके साथ भी शेयर करते हैं। और मैं मौसम, आपको अच्छी लग रहे हैं? बहुत अच्छी लग रहा है, अभी से अच्छे लगने लगे हैं, अच्छी खुशबू आ गया। हल्की हल्की आंच पर फ्राई करेंगे, ठीक है। और ये बटेरे जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे, क्रंची क्रिस्पी से, ठीक है। बटेरे बन रहे हैं बहुत ज़्यादा मज़े के, हम इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक ये और ही पक। वाओ, खुशबू आ रही है।
इनको हमने हल्की आंच पर फ्राई करना है वरना ये जल भी सकते हैं। ध्यान से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ठीक है। हमारे ये बटेरे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसको डिसाइड करते हैं एक एक करके। ये हमारा चिमटा है, इसको उठाएंगे। गाइस देखिए कितना क्रिस्पी, ओ भाई क्रिस्पी है, खुशबू आ रही है, जैसा आप देख सकते हैं। और रह गया था, बहुत ही सॉफ्ट और नरम से बनेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सुराबी बटेरे बन के तैयार हो गए हैं। इनको टेस्ट करके देखते हैं कैसे बने हैं। चलो भाई ले लो भाई अब्दुल्ला भाई, लो लो लो। अब हम इनको टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। लग रही सही बने, अच्छे बने, टेस्टी टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं, ठीक है। इतने मज़े के बने इसका ये मुड़ गया, ठीक है। आज की वीडियो इतनी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।